Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me, Zainab Faisal. Welcome to my next video. So, आज मेरे साथ इतने बुरे मतलब हादसे वगैरह हुए ना. अभी मैं घर में थी. अभी आपको दूसरों का घर लग रहा होगा, ये नतालिया का घर है, यहाँ पे लोग रेडी हो रहे हैं. मैं आपको स्टोरी बैक स्टोरी भी बता देती हूँ. मैं सुबह उठी और मैंने मतलब कपड़े पहने, ठीक है, कपड़े पहने, पूरे पहने नहीं, ऊपर की जो जैकेट है ना मैनेजमेंट की, वो इसके घर लग गई थी, इसलिए मुझे इसके घर आना पड़ा. अब ड्राइवर अंकल बाहर वेट कर रहे हैं, उनके साथ जाना है हमने स्कूल, और मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ. मुझे सबने कहा था जल्दी आओ, और मैंने इस हया मैडम को जब कॉल की तो ये कहती मुझे एक मिनट बस मेकअप कर लेने दो फिर आ जाना. ठीक है, मैंने कहा ओके. फिर अभी आगे से मुझे बताया कि ये सो रही थी, और सोते सोते इसने फौरन से कपड़े पहने, और पता नहीं क्या सीन चल रहा था, मेरा दिमाग घुमा पड़ा, अभी समझ नहीं आ रहा. मेकअप शुक्र है मैंने कर लिया, अब इसी से कोई नेकलेस लेती हूँ, जैकेट पहनती हूँ, और शुरू चलते हैं. ओके गाइस, सो जो नताना की छोटी बहन है ना नया, उसने हिरापी के लिए कार्ड बनाया, वो भी इतनी जल्दी जल्दी फौरन से. क्या बनाया कार्ड? हैप्पी बर्थडे. ये इसने कार्ड बनाया हिरापी के लिए. अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, ब्लॉग क्या, मैं आपको घर जाके दे दूंगी. इसने बनाया फॉर हिरा फ्रॉम अनाया, और ये अंदर इतना क्यूट सा लिखा है इसने, थैंक यू सो मच. बस मेरी बर्थडे पे भी तुम लाओ, ठीक है, जब मेरी बर्थडे होगी मैं आपको बुलाऊंगी, अच्छे अच्छे से गिफ्ट लेकर आना. मुझे वैसे कार्ड भी काफी ज्यादा पसंद है. ओके ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जाने लगे हैं. ये नतालिया मैडम ने कितना टाइम लगाया, अब हम लोग जाते हैं नीचे और लेट्स गो. जाते हैं, लोग देख लें. वाओ, ये पूरी रेसर कर बनी, आपको लग रहा था और ये भी देख रहे हैं, ये बेबी डॉल बनी है. मैं मेरी लुक भी दिखाओ, ये मेरी लुक है, अच्छी लुक है काफी. चलो लेट्स गो. ओके गाइस, सो आज जो है आज इनके मतलब स्पोर्ट वगैरह और ये कुछ कुछ चीज़ों का होता है. अभी ये आर्टिस्ट इंडिया के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पेंटिंग शेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है. हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर के हालात देखते हैं. आज मतलब ये सारे छोटे छोटे इवेंट में आए हैं, मतलब दूसरे स्कूल से भी बच्चे आए हैं. कल था वो ड्रम सर्कल जिसमें मैंने अटेंड नहीं किया था, इनको अपना काम करने देता और हम आगे चलते. ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है वो इनके गाने वगैरह चलने लगते हैं. आप अपनी गति शक्ल नहीं दिखाना, और आपने इससे तो मिला ही नहीं है. अरे सबको कल से ना एक ही बात बता रही है कि एक फैन आया और उसने क्या बोला. कि आप वही है ना सोशियोलॉजी की सबसे छोटी वाली बहन, जैनब कहती है जी, तो बंदा लिटरली स्माइल करके ना ऐसे पूरा हिल के अच्छा ये कल ने आपको बता दिया कि वो यूं 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 करके बता रहा था. आप इनका गाना चल आया, पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन सब आते हैं जो वापस. क्या बताऊँ, लेकिन अभी मैं करनी नहीं हूँ, अभी सबके सामने बल्ले बल्ले करने लग गई. एक और लड़की मिल गई, हेलो ये लोग मेरे साथ हैं. अभी हम लोगों ने सिंगिंग वगैरह का पार्ट पार्ट देखे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी दोबारा सिंगिंग होती है ना, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ. मज़ा आ रहा है सिंगिंग वगैरह में, मज़ा भाई यार, मुझे इतना मज़ा यहाँ पे वैसे आ नहीं रहा, लेकिन लोगों की जो सिंगिंग वगैरह है ना वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ओके गाइस, सो यहाँ पे जो है वो होने लग गया है, जो भी है लोग सिंगिंग
ओके गाइस, सो फाइनली मैं अभी हया के घर आई हूँ। ठीक है, मैं आपको आज साथ तो बता दूँ हुआ क्या मेरे साथ। मतलब अभी कॉन्सर्ट कह रही हूँ, कॉन्सर्ट तो हुआ ही नहीं, इवेंट वगैरह सब खत्म हो गए। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको एंडिंग नहीं ले पाई क्योंकि मेरा भी फ़ोन डेड हो गया था, हया का भी फ़ोन डेड हो गया था, तो मैंने गाड़ी में चार्ज किया तो अब ठीक है। और हुआ ये कि आज है हिरापे की बर्थडे, और जिसकी वजह से मैं उसकी बर्थडे नहीं अटेंड पा रही। मतलब कैन यू इमेजिन कि मैं उसकी बर्थडे पे ही नहीं हूँ। लास्ट टाइम भी मैं उसकी बर्थडे में नहीं थी, अब भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम भी मेरा इस वक्त इवेंट था एक मेरे, और इधर भी इस वक्त मेरा इवेंट चल रहा था, और मुझे घर वालों ने स्कूल से पिक नहीं किया। वो डायरेक्ट उनका जो भी जहाँ पे भी रेस्टोरेंट वाली जगह थी वहाँ पे उन्होंने अपना कर रहे हैं। ठीक है, मामा कह रही है वापसी भी आपको पिक कर लेंगे, तो अभी मैं आ गई थी हया के घर में, अब यहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं हया के घर आ चुकी हूँ, और आप लोग सोचोगे मैंने यूं कैमरा क्यों नहीं पकड़ा, बिकॉज हया की बहन हफ्सा ने अभी फ़ोन पकड़ा हुआ, उसको शौक हो रहा था क्योंकि उसने इंटर्नशिप की है डायरेक्टर डायरेक्टर की। ठीक है, तो वो उसने दिखाना है कि यार मैं बहुत अच्छी डायरेक्टर हूँ, ऑन टॉप डायरेक्टर। ओके गाइस, सो हया ने बोला यार स्लीप ओवर कर लो, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ स्लीप ओवर। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे घर क्योंकि मम्मी ने बोला है कि जल्दी जल्दी करो, और हिरापी की ऑब्वियसली आज बर्थडे थी और मैं उसकी बर्थडे पर नहीं थी। काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे ऐसे यू नो व्लॉगिंग में आने का, क्योंकि मैं हमेशा यूं पकड़ के आती हूँ, आज यहाँ पे कैमरा है। अब घर जाके देखते हैं क्या सीन है। गाइस, मैं स्पेशल इसको हैप्पी बड्डा कहने आई हूँ, हैप्पी बर्थडे आपी हिरापी। यार आई एम सो सॉरी, यार आई एम सो सॉरी, मैं आपके हर बर्थडे में मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ बिकॉज मेरा इवेंट होता है। और आप लोगों ने भी शर्म नहीं की कि घर से जाते हो मुझे स्कूल से पिक करते हुए चले जो है, ये तो एक बार किसी के दिमाग में नहीं आया। शर्म अब आ रही है, बाय। आप लोगों की गलती है कि मैं नहीं आई आपकी बर्थडे पर। उल्टा मैं कह रही हूँ, अच्छा जो गेस्ट हमने बुलाए थे उनको वापस भेज देते, पहले शर्म कर लेते कि ज़ैनब को लेने जाए हम। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी रापी की गलती है। दैट्स इट, मैं आपको कल गिफ्ट दे दूँगा। सारी गलती भूल जाऊंगी। चलो यार मैं स्लीप ओवर कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो मिस करती रहना मुझे। आए घर आ चुकी थी, जैकेट सब मैंने वही पहना हुआ है। ठीक है, बस अब मैं सोने लगी हूँ, मेरा सर इतना घूम रहा है। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और सो ये पूरे वीक मुझे छुट्टियां होने लगी हैं। ठीक है, तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है, मैं क्या बताऊं, मैं अंधेरे में वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैंने बस सोना है, बस मैं एंडिंग कर रही हूँ। और जो पूरा वीक आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या मतलब वीडियो बनाऊँ, या क्या मतलब किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पूरा वीक मैं फ्री होने वाली हूँ। मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो करूँगी, बट फिर भी ना फ्री होंगी, और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बोली जा रही हूँ। खैर, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए टेक केयर। अब नेक्स्ट इवेंट है, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि मैं रनवे करती हूँ या नहीं। लेट्स गो।